सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमृत चौधरी। और आज मैं आपके लिए Huawei Honor 7X का एक फुल रिव्यू लेके आया हूँ। सो इस फोन को आज मैं आपको इस फोन के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ। और इस फोन को यूज किया हुआ मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने जा रहा है। तो मैं आपको इस फ़ोन का एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ, एक बायर्स रिव्यू, और इसके बारे में जो भी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा और लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लेना अगर आपको उसके बॉक्स कंटेंट के बारे में मालूम है, जानना है तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट रिव्यू, दिस इज रिव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड और डिस्प्ले की। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड एंड डिस्प्ले। तो इसमें आपको मिल जाता है एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन, जिसपे लगाया गया है एक 5.93 इंचेस का सिक यानी कि फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले। बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी आपको मेटल की मिलती है, कोई भी आपको शिकायत नहीं आती है, काफी प्रीमियम फीलिंग देती है आपको इस फोन को। बिल्ड क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, Huawei की तरफ से बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, कोई भी आपको इशू नहीं आती है। अगर आप ये फोन को पहली बार लेते हो तो ये आपको एक प्रीमियम फील भी देता है इस फोन का। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, Huawei के लिए थम्स अप है मेरे लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको मिल जाता है एक 5.93 इंचेस का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले। आपको देखो इस पे लगाया गया है 18:9 का डिजाइन मिल जाता है, 18:9। तो आप देख सकते हो आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है। थोड़ी मोड़ी आपको नीचे में नॉच मिल जाते हैं, ऊपर में नॉच मिल जाते हैं, बाकी ज़्यादा एज कम्पेयर टू 16:9 काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है। मतलब कि आप वन हैंड इसको इजीली यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। जिसमें लगाया गया है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात कर ले तो इसमें लगाया गया है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3। अभी तक Huawei ने मेंशन नहीं किया है पर काफ़ी लोग बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। डिस्प्ले काफ़ी स्क्रैच प्रूफ भी है, मैं विदाउट टेम्पर ग्लास यूज़ कर रहा हूँ 2 वीक से, कोई भी अभी तक स्क्रैचेस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे डिस्प्ले में। तो आप बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी ही। डिस्प्ले क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है IPS ग्रेड का डिस्प्ले, IPS LCD पैनल, जो कि काफ़ी ब्राइट भी है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। आपको आउटडोर में हल्की रिफ्लेक्टिव मिलती है डिस्प्ले पर, कोई मेजर इशू नहीं आएगी आपको डिस्प्ले की, बिल्कुल अच्छे से काम कर जाता है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले का कलर मुझे थोड़ा सा अनसैचुरेटेड लगा है एज कम्पेयर टू अदर्स, यानी कि Xiaomi Mi 1 का थोड़ा डिस्प्ले ओवर सैचुरेटेड है, आपको फुल कंपैरिजन में बताऊंगा। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 50-50 मैं बोलूँगा आई एम सेटिस्फाइड, बट मैं 75% सेटिस्फाइड हूँ इसके डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी इज सुपर्ब एंड डिस्प्ले क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट, बट इट्स अ गुड पैनल बट नॉट दैट ऑसम पैनल। तो Huawei की तरफ से थम्स अप है डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की, बिल्कुल कोई शिकायत आपको नहीं आती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक में मिलता है, आप देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ उसकी एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल एक्यूरेट फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मुझे देखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो बिल्कुल एक्यूरेट है फिंगरप्रिंट सेंसर, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आती है एज कम्पेयर टू, बिल्कुल फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। इसका भी थोड़ा स्लो हो गया पर एज बहुत ही फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल एक्यूरेट है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें आपको देखने के लिए। तो आप बात कर लेते हैं इसके कुछ परफॉर्मेंस की और UI की। इसमें आपको मिलता है Kirin का 659, जो कि Huawei का ओन कस्टम UI प्रोसेसर है, Kirin 659 जो कि ऑक्टाकोर CPU है। और इसमें आपको मिलता है 4 GB की रैम एंड 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि मैंने खरीदा है, और एक आता है 64 GB का भी इंटरनल स्टोरेज। सो एज योर पर्सनल प्रेफरेंस आप जो भी चाहो ऑप्शन ले सकते हो। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है EMUI 5.1, जो कि रन करता है एंड्रॉयड नुगुट 7.0 पे। तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है एज कम्पेयर टू स्टॉक। आई लाइक द EMUI, नेटवर्क काफ़ी स्टेबल रहता है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आती है आपको इसमें, बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह फोन चलता है मैं बोलूँगा, नो UI लैग। एंड मेरे ख्याल से मेरा पहला एक्सपीरियंस है EMUI के साथ एंड मुझे बोलना पड़ेगा काफ़ी इंप्रेसिव लगा है मुझे EMUI परफॉर्मेंस और UI में थम्स अप Huawei के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस, मुझे काफ़ी पसंद आया परफॉर्मेंस। मैंने 14 दिन में एक भी माइनर लैग फेस नहीं किया है, बिल्कुल फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव ये फ़ोन काम करता है, तो बिल्कुल कोई भी इशू नहीं आएगी इसके रैम और
इनकी परफॉर्मेंस और यूआई में, यूआई भी काफ़ी अच्छा है, आपको ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है और ऐप ट्यून्स का भी फीचर मिलता है, जो कि अगर आप एक MIUI यूज़र हो तो आपको ऑलरेडी मालूम यूज हो गए आप। तो आप बात कर लेते हैं इसके रैम एंड स्टोरेज, जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है, आपको जो भी मॉडल लेना चाहो 32 या 64, और आपको माइक्रो SD के द्वारा आप इसको एक्सपैंड भी कर सकती हो। इसमें हाइब्रिड सिम ट्री दिया गया है, तो एक थोड़ी सी कॉन है, पर मैं सिंगल सिम यूज़र हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है विद हाइब्रिड सिम ट्रैक से। तो आप बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी में बात कर रहा हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ Xiaomi Mi A1 मेरे पास भी है, मुझे नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा लगा है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल 4G, और मैं इसे जियो 4G के साथ भी यूज़ कर रहा हूँ, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी सही है, कोई भी आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में इसमें दिक्कत नहीं आएगी इस फोन में। तो आप बात कर लेते हैं इसमें सेंसर्स की, तो Huawei ने एक काम किया है इसमें जायरोस्कोप सेंसर, यानी कि अगर आप 360 वीडियो देखते हो तो आप इसमें नहीं देख पाओगे क्योंकि Huawei ने स्किप कर दिया है जायरोस्कोप सेंसर को, पर जायरोस्कोप के अलावा इसमें आपको हर एक तरह के सेंसर मिल जाते हैं, एम्बियंट लाइट सेंसर, आपको इसमें एक स्टेप काउंटर सेंसर भी मिलता है, आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको स्टेप काउंटर भी मिलता है, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है स्टेप काउंटर सेंसर के मामले में। जायरोस्कोप मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ तो मुझे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस फ़ोन को यूज़ करने में, विदाउट जायरोस्कोप इट्स वर्क फाइन, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है जायरोस्कोप के साथ, या जायरोस्कोप के साथ आप नहीं यूज़ करते हो। तो आप बात कर लेते हैं इसकी ऑटो ब्राइटनेस सेंसर की, तो इसमें थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है, ऑटो ब्राइटनेस वर्क्स गुड पर मैं कहूँगा इट्स 50-50, उतना अच्छा से एक्यूरेट नहीं होता है इसको ऑटो ब्राइटनेस सेंसर, मुझे हर कभी कभार मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है ऑटो ब्राइटनेस सेंसर को, एज कम्पेयर टू मैं अगर ज़्यादा डिम में चल जाता हूँ तभी वो ब्राइटी रहता है, या ज़्यादा खुद से ही करना पड़ता है, तो ऑटो ब्राइटनेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ भी की तरफ से, अगर वो इंप्रूवमेंट कर दोगे तो सेंसर्स भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी में एक ही कौन है कि जायरोस्कोप छोड़ दिया हुआ मैंने, बाकी हर एक तरह के सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस की, इसमें आपको मिल जाता है 3.5 mm तक मिल जाता है, जो कि साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है, आपको एक कस्टमाइज मिल जाता है, यानी कि अगर आपको कोई भी साउंड चाहिए नहीं चाहिए तो आपको एक कस्टमाइज भी मिल जाएगा, एंड द साउंड वे आर द 3.5 mm जैक इज क्वाइट गुड, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसके साउंड से, नॉट एज गुड एज द Xiaomi Mi A1 बट इट इज़ गुड, आई एम सेटिस्फाइड। तो आप बात कर लेते हैं इसके सिंगल स्पीकर की, तो ये मुझे कौन लगी है इस फोन की, सिंगल स्पीकर इसका काफ़ी उतना अच्छा लाउड नहीं है, मैं आपको एक साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको एक यानी कि इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक मिनट मैं साउंड प्ले करता हूँ, तो इसका एक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में सिंगल स्पीकर इस डिस्प्ले के साथ बिल्कुल जमता नहीं है, मज़ा आपको बिल्कुल नहीं आएगा, इसका स्पीकर बहुत ही कम लाउड है, बहुत ही घटिया मैं बोलूँगा इसका स्पीकर है। कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट, तो एक कौन है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से इसमें टाइप सी देना चाहिए था, पर मुझे माइक्रो USB पसंद है क्योंकि आजकल केबल कहीं ख़राब हो गया तो जिधर विलेज में तो केबल मिलना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी सही है, अगर Huawei एक अच्छा स्पीकर दे देते, स्क्रीन भी काफ़ी सही है पर स्पीकर उतना अच्छा लाउड नहीं है, अगर आप मैं यानी कि कुछ भी ट्रैफिक में यूज़ कर रहा था अपने फ़ोन को बिल्कुल यार मुझे कुछ YouTube वीडियो प्ले ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ साउंड आई नहीं रही थी अच्छी से, और बिल्कुल स्पीकर मुझे बहुत ही घटिया लगा है, मुझे स्पीकर बिल्कुल पसंद नहीं आया है Huawei की तरफ से इसका स्पीकर। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस उतना अच्छे से आपको नहीं मिल पाएगा एज कम्पेयर टू Mi A1, बट इसका डिस्प्ले जो है वो आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को बुलाने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरा की, तो कैमरा एक बहुत ही हाइप फीचर है इस फोन का, बहुत ही हाइप दिया गया है कैमरा के लिए, Huawei ने कैमरा को बहुत हाइप किया है, तो कैमरा
का एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। इसमें आपको मिलता है 3340 mAh की बैटरी। बैटरी लाइफ काफ़ी सही है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैंने अभी 100% बहुत ही पहले चार्ज किया था, तो अभी 87 है आपको, यानी कि मुझे एक दिन की यूजेस मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू माई यूजेस। मेरा यूजेस है कि मैं आपको आधा घंटा कॉल्स लेता हूँ एंड आई 10 hours ऑफ मैं ब्राउजिंग करता हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ऐप्स, वॉचिंग सम वीडियोज, यही सब है। तो मुझे ऑलमोस्ट एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है। और जब मैं रात में फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ 10 बजे और मैं अगले अगर दिन 10 बजे देखता हूँ तो मेरा फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली 30% 40% चार्ज होता है। तो बैटरी लाइफ आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द Honor 7X। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो चार्जिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 hours ले लेता है इस फ़ोन को चार्ज करते हुए। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ इसको मैं जब सोते समय चार्ज में लगाऊं ताकि सुबह उठूं तो 100% ये फ़ोन रहे। फ़ोन काफ़ी थोड़ा सा चार्जिंग टाइम लेट है पर ओके चलता है, उतना मैं इसको माइंड नहीं करता हूँ। तो आप बात कर लेते हैं इसका कैमरा की। तो मैं आपको एक डेडिकेटेड 6 या 7 मिनट का कैमरा सैंपल और वीडियो दिखा रहा हूँ फुल रिव्यू में। तो अभी वीडियो देख लो कैमरा का, उसके बाद मैं आपसे उसके बाद ही मिलता हूँ। सो दिस इज रिकॉर्डेड वी आर द फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑफ द न्यू Huawei Honor 7X। और तो बताइए आपको कैमरा क्वालिटी फ्रंट में कैसी लगी। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल डे लाइट कंडीशन है। तो आपको बताओ कैसी लगी आपको कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की। तो बात कर लेते कुछ कैमरा स्पेक्स की। इसमें आपको मिलता है 16+2 MP का 2 rear कैमरा, एक है डेप्थ सेंसिंग यानी कि डेप्थ कैप्चर करने के लिए, और एक है नॉर्मल सेंसर जो कि इसका अपर्चर है f2.2। और इसमें आपको देखने को मिलता है एक 8 MP का सेल्फी कैमरा जिसका अपर्चर है f2। तो सेल्फी कैमरा काफ़ी कमाल का है, रियर कैमरा परफॉर्मेंस आपको इसके बाद मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा। और फ्रंट कैमरा में आपको एक पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है दोनों कैमरा में, ताकि आप कुछ अच्छे पोर्ट्रेट मोड ले सको। तो पोर्ट्रेट मोड इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से किया नहीं गया इम्प्लीमेंट, तो Huawei को कुछ अच्छा से करना चाहिए। पर फ्रंट कैमरा व्यू बहुत ही अच्छा है, कमाल का है, आप देखो वैसे रख लिए रिकॉर्डिंग, और ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है इसी के माइक से। तो ये रहे कुछ सैम्पल्स Huawei Honor 7X के। सो ये रहे कुछ सैम्पल्स। तो मैंने आपको इसके हर एक चीज़ के बारे में बता दिया, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी, इसके बिल्ड और डिस्प्ले के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, मल्टीमीडिया कैमरा एंड प्राइस। अब तो मैंने इसके हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है, तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग है 430 वेरिएंट की ब्लू कलर की 13,000 rupees ऑल कलर्स की, एंड 464 की 16,000 rupees। तो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो आपको 432 के लिए ही जाना चाहिए था, क्योंकि 13,000 में मिल जाता है, 16,000 में आप Honor का 9 ले सकते हो, 9i, अगर आप 2,000 मोर एक्सपेंड करते हो तो, यानी कि और एक्सपेंड करते हो तो।
प्राइसिंग काफी सेटिस्फाइड है, आई एम ब्रिलियंटली सेटिस्फाइड, Huawei हैज डन अ ग्रेट जॉब फॉर द प्राइसिंग एंड आई एम थम्स अप Huawei फॉर दिस टाइम फॉर द प्राइसिंग। तो अब बात कर लेते हैं एक फोन की, मैंने आपको इसके हर चीज बता दिया, बिल्ड के बारे में, डिजाइन के बारे में, कैमरा के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, रैम, स्टोरेज और प्राइसिंग के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, इसको मैं एक समरी बना लेता हूँ प्रोज एंड कॉन्स में। तो इसकी सबसे पहले प्रोज की बात करो जो कि मुझे अच्छा लगा, इसका बिल्ड एंड डिस्प्ले एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम फीलिंग है। मैंने पहली बार इसको अनबॉक्स किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा फीलिंग आया था इस फ़ोन को यूज़ करने में, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है, बहुत ही मस्त वाली फीलिंग मिलती है अगर आप ये फ़ोन को यूज़ करते हो तो। तो बिल्ड एंड डिस्प्ले मेरे लिए पहला प्रोज है इस फोन का। सेकंड प्रोज की बात करूँ तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा है, बिल्कुल कोई भी आपको इशू नहीं आती है, सब चीज़ बहुत ही सही है, कॉल क्वालिटी भी काफ़ी ऑसम है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो परफॉर्मेंस, UI, कनेक्टिविटी में थम्स अप है मेरे लिए, ये सेकंड प्रोज है क्योंकि Xiaomi के Mi A1 में कनेक्टिविटी इशू था, पर इसमें आपको कनेक्टिविटी इशू नहीं होता, एक स्टेबल फ़ोन है ये, बिल्कुल ज़्यादा अपडेट नहीं आता है लेकिन एक स्टेबल फ़ोन मैं बोल सकता हूँ इस फ़ोन को। थर्ड प्रोज की बात करूँ जो कि मेरे लिए अच्छा लगा है वो है इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा बोलना पड़ेगा, Huawei हैज डन अ ग्रेट जॉब, फ्रंट फेसिंग कैमरा काफ़ी सही है, आपने कैमरा सैंपल में देख ही लिया होगा मुझे मालूम है। चौथे प्रोज की बात करूँ तो वही है इसका कनेक्टिविटी मुझे काफ़ी पसंद आया है इस फ़ोन का, बहुत ही दिक्कत नहीं आती है, नेटवर्क काफ़ी स्टेबल रहता है आपको कनेक्टिविटी में, मैं क्या बोलूँ, कॉल क्वालिटी काफ़ी सही है। तो ये मेरा रहा चौथा प्रोज, क्योंकि ये इसका कॉल क्वालिटी एंड कनेक्टिविटी है मेरे लिए प्रोज है एक तरह से। तो ये था प्रोज, अब बात कर लेते कुछ कॉन्स की। सबसे पहला कॉन जो Huawei ने किया है वो उन्होंने रियर कैमरा को काफ़ी ज़्यादा हाइप किया है, उतना अच्छा रियर कैमरा नहीं है, एज कम गुड बट नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू Xiaomi Mi A1। बहुत इसका जो, अगर आप ये पहली बार फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, पहली बार आप अगर आप EMUI यूज़र हो तो आपको कन्फ्यूज हो जाओगे कि पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, बिल्कुल आपको वाइड अपर्चर मोड करना पड़ता है। कैमरा UI इस थोड़ा मोड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग लगता है और रियर फेसिंग कैमरा इज नॉट दैट ग्रेट, Huawei ने जितना बोला है वो उतना अच्छा कैमरा नहीं है, Xiaomi Mi A1 हैज अ बेटर कैमरा दैन द Honor 7X। तो कैमरा उतना अच्छा नहीं है, रियर फेसिंग कैमरा, ये पहला कॉन है मेरे लिए। सेकेंड कॉन की बात करूँ तो वो है इसका स्पीकर का आउटपुट, बहुत ही घटिया आउटपुट है यार Huawei, यार इतना अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हो, फ़ोन बनाते हो, डिस्प्ले बनाते हो इंजॉयबल वाला कंटेंट देखने के लिए, तो स्पीकर को यार सही करो यार, स्पीकर को अच्छे से बनाओ यार, Xiaomi Mi A1 को देखो कमाल का स्पीकर है, बिल्कुल बहुत ही गर्दा मस्त स्पीकर है। तो स्पीकर मेरे लिए सेकेंड कॉन है Huawei Honor 7X का। थर्ड कॉन की बात करूँ तो Huawei ने जायरोस्कोप को स्किप कर दिया है, जायरोस्कोप देना चाहिए यार का, क्योंकि अगर आप इतना स्मूथ डिस्प्ले बनाते हो, कमाल का डिस्प्ले, लुक एंड फील, तो आप जायरोस्कोप तो देना चाहिए यार, ताकि लोग 360 डिग्री एंड VR कंटेंट को इस कमाल के फ़ोन में इंजॉय कर सके। चौथा कौन है नहीं मेरे लिए स्पेशली, बिल्कुल कोई भी कौन, चौथा कौन मेरे लिए हो सकता है कोई कोई लोगों के लिए, जिसमें आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिल जाता है, तो आप अगर आप एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड यूज़र हो तो आपको इस फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो SD, अगर आप एक एक्सपेंशन वाला काम करती हो तो काफ़ी सही है। और मैं आपको एक और कौन बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में कि आजकल फेस अनलॉक का आ रहा है, तो Huawei को एक फेस अनलॉक फीचर दे देना चाहिए था इस फ़ोन में। मैंने ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस है, ये कौन नहीं है, पर मुझे लगता है कि Huawei को फेस अनलॉक फीचर दे देना चाहिए था, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल गया है फेस अनलॉक फीचर काफ़ी सारे फ़ोन्स में है, तो मुझे लगता है Huawei को ये सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फेस अनलॉक फीचर को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए Honor 7X में। तो ये रहा मेरी तरफ से कुछ प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज है डिस्प्ले, बिल्ड, कनेक्टिविटी कमाल की है, UI परफॉर्मेंस कमाल की है, फ्रंट फेसिंग कैमरा कमाल का है, और एक मैं प्रोज बताना भूल गया आपको, बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी कमाल की है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद द बैटरी लाइफ ऑफ द Honor 7X। तो बैटरी लाइफ ही मेरे लिए प्रोज है, तो ये सब प्रोज रहा, और कौन मुझे जायरोस्कोप नहीं दिया गया है, स्पीकर और प्रो उतना अच्छा नहीं है, रियर फेसिंग कैमरा बहुत ज़्यादा ही हाइप है और वगैरह वगैरह। सो ये रहा मेरे तब से फुल रिव्यू Honor 7X का, मतलब ये रहा फ़ोन। तो अगर आप बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में आपको कैसा लगा इस फ़ोन का रिव्यू, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है इस ठंडी में Honor 7X का रिव्यू बनाने का। सो अगर तो आप बात कर लेते आपको ये आपके लिए परफेक्ट फ़ोन है कि नहीं, तो अगर आपका एक बजट है 15,000 के अंदर, तो मैं कहूँगा आप ये फ़ोन ले सकते हो,
अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 10 में से, तो मैं इसमें 10 में से 9 मार्क्स देने वाला हूँ Honor 7X को, बिकॉज बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है, UI है। मैं कहूँगा आप, अगर आप मी A1 और इसमें कन्फ्यूजन हो, अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं लेते हो, डेफिनेटली गो फॉर द Honor 7X, बिकॉज इसका ब्यूटीफुल डिस्प्ले, कमाल का बैटरी लाइफ, कमाल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे स्टैंड आउट कर लेता है। सो आपका बजट 15,000 के अंदर है, डेफिनेटली गो फॉर द Honor 7X। मी A1 भी आप ले सकते हो अगर आपको स्टॉक वाइज चाहिए तो, पर मैं कहूंगा Honor 7X ब्रिलियंट फोन इट। अगर आप चाहो तो एक बायर्स रिव्यू है, मैं काफी सेटिस्फाइड हूं इस फोन से। तो दोस्तों यार, मैं आपसे एक Honor 7X का फुल कंपैरिजन, इसका एक कंपैरिजन आने वाला है Xiaomi के Mi A1 के साथ, चार्ज में लगा मेरा फोन Mi A1, जो कि एक वीक के अंदर ही आपको लाइव हो जाने वाला है वीडियो, जो कि कैमरा कंपैरिजन भी होने वाला है दोनों के बीच में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव से थम्स अप। दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को, यार क्या बोलूं, इतना मेहनत करता हूं बनाने के लिए वीडियो। तो ये मेरा पहला इन डेप्थ रिव्यू है, तो बताओ आपको कैसा लगा। कुछ टॉपिक को मैंने नहीं छोड़ दिया, मैंने ऑल टॉपिक सोचा इसका कवर कर लूं और इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू बना के दे दूं। So if you like this video, give a thumbs up. If you didn't, vote it on and please subscribe to my channel. Don't forget to share with your friends. So this is Amrit signing off and hope to see you guys in the next video. Till then, have a great day guys. And if you want to take it, I will link in the description. Bye bye guys, see you in the next video.